नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति चौरसिया। कल वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में आम बजट पेश करेंगे और इस बजट पर देश भर की निगाहें होंगी। ये बजट इसलिए भी खास है क्योंकि चुनाव के पहले सरकार का नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति चौरसिया। मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट और पांचवा बजट आज पेश हो गया। इस बजट पर सबकी नजर लगी हुई थी। बजट में युवाओं पर, किसानों पर और गरीबों पर ज्यादा फोकस किया गया है। हालांकि मध्यम वर्ग को बजट से निराशा ही मिली है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को हर वर्ग के लिए अच्छा बताया है। हालांकि विपक्ष ने इस बजट को चुनावी बजट बताते हुए इसे निराशाजनक बताया है। साल 2018 और 19 का आम बजट पेश हो चुका है। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि बजट में चौंकाने वाले कई खुलासे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि सरकार ने अपने आमदनी और खर्च के बीच में संतुलन बिठाते हुए हेल्थ के लिए, कृषि के लिए कई सारे बड़े ऐलान भी किए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। 1 फरवरी को संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2018 पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12.6% बढ़ा है, जो काले धन के खिलाफ मुहिम का असर है। हालांकि बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, सिर्फ 40,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया है। साथ ही वित्त मंत्री ने बजट 2018 में किसानों के लिए उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को टैक्स में 100% की छूट दी है। जहाँ एक तरफ वित्त मंत्री इस बार सरकार के इनकम टैक्स कलेक्शन 90,000 करोड़ रुपए बढ़ने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सेस को 1% बढ़ा दिया गया है। यानी पहले 3% लगने वाला सेस अब बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने कस्टम ड्यूटी को भी बढ़ा दिया है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। डीजल और पेट्रोल की कीमत में सरकार ने 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलने वाली है। जो कुछ घोषणा ग्रामीण क्षेत्र के बारे में की गई एमएसपी के संबंध में और उसके अतिरिक्त अन्य स्कीम्स जो हैं, वो इस फैक्ट को मद्देनजर रखते हुए की गई। वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष में विकास दर 7.2 से लेकर 7.4% तक रहने का अनुमान लगाया है। अपनी स्पीच में वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 3 साल में सरकार सभी क्षेत्रों में 70 लाख नई नौकरियां पैदा करेगी। जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, उनकी सहायता की जाए, और वैसे भी सरकार का एक प्रयास रहा है कि कई योजनाओं के माध्यम से हम उस वर्ग की विशेष रूप से सहायता करने का प्रयास करते हैं। इसमें उज्ज्वला योजना की संख्या 8 करोड़ कर देना और जो मेगा हेल्थ स्कीम हम लोगों ने अनाउंस की है, मुझे लगता है वो बहुत बड़ी योजना है। मैं वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी को और उनकी पूरी टीम को इस बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह बजट न्यू इंडिया की नींव को सशक्त करने वाला बजट है। इस बजट में देश के एग्रीकल्चर से लेकर के देश के इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर बात पर पूरा ध्यान दिया गया है। इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही ईज ऑफ लिविंग, उस पर भी फोकस किया गया है।
एक तरफ सरकार ने आने वाले वित्त वर्ष में उज्ज्वला योजना का टारगेट 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कामकाजी महिलाओं की जेब भरते हुए महिलाओं के ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को कम करके 8% कर दिया है। यानी जिन महिलाओं का वेतन कम है वह कम ईपीएफ कटवा कर ज्यादा पैसा खर्च के लिए रख सकती है। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे के सभी नेटवर्क ब्रॉडगेज में बदले जाएंगे, यानी अब देश में सिर्फ बड़ी लाइनों पर ट्रेन चलेगी। साथ ही सभी स्टेशनों पर वाईफाई लगाने की भी बात कही गई है। यानी कुल मिलाकर इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद पाले सैलरीड और मध्य वर्ग के लोगों को इस बजट से कुछ खास नहीं मिल पाया, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हाँ, तो देखा आपने जेटली की पोटली से क्या निकला। बजट पे पूरा फोकस किया गया है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेके बजट पे फोकस किया गया है, गरीबों के आवास को लेके बजट पे फोकस किया गया है, कृषि को लेके कि किसानों की आमदनी को कैसे दुगना किया जाए 2022 तक का इस पे फोकस रखा गया है, और भी कई सारी चीजें बजट में है। लेकिन ये बजट कैसा रहा ये जानने के लिए हम बहस करेंगे। हमारे साथ होंगे पत्रकार श्री अनुराग पटेरिया जी, हमारे साथ कुणाल हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं कुणाल चौधरी, हमारे साथ राजपाल सिंह सिसोदिया जी हैं बीजेपी से, हमारे साथ अनिल यादव जी हैं किसान नेता, हमारे साथ ज्योति चौहान हैं सीए हैं, और साथ ही गोकुल पटवा जी हैं अर्थशास्त्री। सबसे पहले तो पटेरिया जी, मैं आपसे पूछूंगी कि कैसा है ये बजट, बताया गया था कि लोक लुभावन नहीं होगा। देखिए, वास्तव में जी मुझे लगता है कि इस बजट से जितनी उम्मीदें हम कर रहे थे उसकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई है। खासतौर से जो वोकल क्लास है जो सबसे ज्यादा सफर करता है, वो सफर भी बहुत ज्यादा करता है, उसके वजह दर्जे के लोगों की बहुत कुछ नहीं है। वास्तव में रूरल ओरिएंटेड एक बजट है, गांव की तरफ जाता हुआ बजट है, लेकिन वहां भी जो रेडिकल चेंजेस आपको देना थे, वास्तव में जो इनपुट आपको देना था एग्रीकल्चर के लिए, मुझे लगता है वो वहां नहीं है। अगर आप बात करें कि सीनियर सिटीजन्स की मेडिकल की 50,000 रुपये तक की छूट एक दी गई है, दूसरा मेडिकल के दायरे में लाने की कोशिश की गई, निश्चित तौर पर एक मेडिकल इंडस्ट्री को और जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, उसको बूस्ट मिलेगा। लेकिन सीधा सीधा जो लाभ लोगों को पेट्रोल प्रोडक्ट से मिलना चाहिए था, वो उतना लाभ नहीं मिला जितना कि हम अपेक्षित करते थे। जब वन नेशन बट वन टैक्स की बात कही गई थी, तब उसमें सब कुछ समाहित था। वन नेशन में टैक्स लागू हो गया, लेकिन वन टैक्स लागू नहीं हुआ। आज भी राज्य सरकारें तरह तरह के सेस लगा के अपने कर लगा के कीमतें बढ़ाती चली जाती हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले दिनों एक बड़ा 1% का सेस लगा दिया। मुझे लगता है इन सबको आपको नियंत्रित करना पड़ेगा। जब तक आप बातों से निकल कर जमीन पर नहीं उतरेंगे, तब तक चीज़ें हल नहीं होंगी। एक लोक लुभावन हो सकता है, लेकिन इनको इकोनॉमी का ग्रोथ का इंजन बजट बनेगा, इसमें मुझे बहुत शक है। कुणाल, आप क्या कहेंगे बजट पर? कि जिस प्रकार से निराशाजनक पूरी तरह से बजट रहा, एक उम्मीद थी लोगों को कि नौजवानों को रोजगार की बात होगी, पर एक दिन पहले 5 लाख पद खत्म करे जाते हैं, दूसरे दिन रोजगार के लिए ना तो कोई व्यवस्था सुनिश्चित करी जाती है, और बात लोगों को लग रहा है कि रूरल इकोनॉमी पे, पर मुझे नहीं लगता कि रूरल इकोनॉमी के ऊपर भी कोई इस पे क्या बात है कि आपने फसलों के दाम की बात करी हो कि अगर उनको आपने पहले भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी, पर उसके ऊपर ना तो सोयाबीन बिक रही थी ना कुछ, उसको आप 1.5 गुना करने की बात कर रहे हो कि हम उसको बढ़ा देंगे, पर बढ़ाएंगे कितना? जो कांग्रेस जमाने में 5,000 रुपये क्विंटल सोयाबीन किसान बेचता था, आज भावांतर में 2,400-2,500 रुपये क्विंटल बेची है, अब आप उसको 1.5 गुना करने की बात कर रहे हैं। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बने हुए हैं उनके ऊपर फसलें बिक नहीं रही है, और आप फिर एक सगुफे पे सगुफे छोड़ने का काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की बात करें, वो महंगाई डायन जो हुआ करती थी कांग्रेस जमाने में कि गैस की टंकी 300 रुपये पे डायन होती थी, उम्मीद थी कि इस बार ये विकास जो इनका पागल हुआ उसको खत्म करके वापस उस डायन की तरफ चले जाएंगे, पेट्रोल डीजल के क्रूड ऑयल को जीएसटी के अंदर करेंगे, और जो मध्यम वर्ग को एक स्लैब की इन्होंने बात करी थी, अब वापस देश को समझ में आ गया कि एक वकील को वित्त मंत्री बनाने का कितना बड़ा खामियाजा जाना इस देश को भुगतना पड़ रहा है। और इन जुमलों की सरकार, जो अमित शाह ने कहा था कि अच्छे दिन के एक जुमले है वो कभी नहीं आने वाले, 15 लाख एक जुमले है, और यशवंत सिन्हा जी जो पूर्व वित्त मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने भी कहा है कि बीजेपी जिस प्रकार से झूठ बोल रही है, लगातार झूठ की, और युवाओं के लिए निराशा है, किसानों के लिए निराशा है, सिर्फ मेडिकल इंडस्ट्री को कैसे फायदा पहुंचाया जाए और दूसरे चंद उद्योगपतियों। राजपाल जी, आप बताइए, वर्तमान सिर्फ गांव की बात करी गई है पूरे बजट में, वर्तमान अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है,
देश की अर्थव्यवस्था भ्रष्टाचार के दौर से बाहर निकल चुकी है। जीएसटी के सुधार से देश के कारोबार को नई रफ्तार मिलने का काम हुआ है। नोटबंदी से काले धन पर लगाम लगी है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में आर्थिक सुधारों का से अर्थव्यवस्था तेज होने की स्थिति में बनी और हम यह कहने की स्थिति में है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी में है। जीडीपी इस बजट के बारे में क्या कहेंगे, मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ, इस बजट के बारे में बताइए अर्थव्यवस्था क्या बनेगी वो ना बताइए। आठ फीसद से अधिक जीडीपी की स्थिति बनने का काम हुआ है। बजट यह जो बजट के बारे में बताइए, ये बजट से ही ये सब हुआ है। बजट से बातों का समावेश है। आप बजट में लोक लुभावन बजट हम नहीं पेश करना चाहते थे और ना हमने किया है। हमने जन कल्याणकारी, हमने अंततः अंत्योदय को समर्पित बजट प्रस्तुत करने का काम किया है। इस बजट के अंदर 4 करोड़ से अधिक घरों को बिजली कनेक्शन, 4 करोड़ से अधिक घरों को बिजली कनेक्शन देने की बात करी है। वहीं 8 करोड़ से अधिक महिलाओं को निःशुल्क गैस एलपीजी के सिलेंडर उज्ज्वला योजना में मिले, इस बात का प्रावधान करने का काम किया है। आप बताइए यादव जी, किसानों को बहुत खुश मिला, अब तो आप खुश होंगे सरकार से? नहीं, पूरा का पूरा बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे ऐसा लिया गया जैसे भावांतर को उलझा के लिया था और 2 महीने तक भावांतर अभी तक समझ में नहीं आया किसानों को, उसी तरह इस बजट में जी बताइए इस बजट में व्यवस्था बनाई गई। तो सरकार द्वारा जो है भावांतर में जिस तरह से उलझाया गया था किसानों को, उसी तरह से इस बजट के अंदर चिदंबरम साहब ने बजट में उलझाया है जी। आप बताइए पटवा जी, आप किस तरीके से देखते हैं? चिदंबरम साहब अभी भी बजट में उलझा रहे हैं क्यों यादव जी? जी पटवा जी, आप बताइए जी। अभी मैंने सभी को सुना और आपकी रिपोर्ट भी सुनी। मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि देश 2 हिस्सों में बटा हुआ है। 70% हमारी जो आबादी है वो किसानों से जुड़ी हुई है और 30% आबादी गैर अर्थव्यवस्था, जो कृषक अर्थव्यवस्था से बाहर है। एक और बात जो पूरे बजट में कही जाती है वो 4% लोगों के लिए कही जाती है, जो इनकम टैक्स पेयर्स जिन्हें हम कहते हैं, और उसमें भी केवल 2% से कम ऐसे टैक्स पेयर हैं जो बाकी टैक्स जमा कराते हैं। बाकी 2% केवल रिफंड के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं या इनकम टैक्स में वो अपने आप को कंटिन्यू करने के लिए जमा कराते हैं। सारी बात अभी तक मैं जितने भी बजट देखूं इसके पहले के, ज़्यादातर वो 4% के लिए बात की जाती रही। आज किसी भी चैनल पे आप जाइए, आप भी अभी बात करेंगे कि टैक्स में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये पहला बजट है जिसमें किसान की जो मिनिमम मूल्य है उसके प्रोडक्ट का, उसको सीधा 50% बढ़ाने की बात कही गई है। और अगर ये जुमला नहीं होता है, सच होता है, तो हम 100% जो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि 70% से ही बाकी 3% जिसमें मजदूर हो सकता है, उद्योगपति हो सकता है, व्यापारी हो सकता है और जिन्हें हम नौकरी पेशा लोग बोलते हैं, वो सब उसी में शामिल है। तो हम ज़्यादातर 2% पर बात करते हैं, 98% पर नॉर्मली बात नहीं होती है। इस बजट में पहले तो मैं ये देख रहा हूँ कि 98% पर बात हुई है। चलिए, बड़े लंबे समय बाद मतलब सरकार को पूरे 98% का ख्याल आया, सोचा जाए। हमारे साथ अपराजिता जुड़ चुकी है। अपराजिता जी कई सारे सामाजिक चीजों से जुड़ी हुई है, एनजीओ भी है और परिवार भी आप देखती हैं। बताइए आपको क्या मिला इस बजट से? देखिए, जैसा कि अभी आप सबने बोला बजट के बारे में, जैसे पूरा का पूरा जो बजट है वो गांव की ओर ही चला गया है। जो एक मिडिल क्लास लोग हैं, जो एक सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनके लिए इसमें कुछ भी नहीं है, ना एजुकेशन से जो है, और जैसे अभी मैंने सुना कि रोजगार से संबंधित चीजें भी, जो बेरोजगार हैं बहुत सारे जिनकी वजह से क्राइम बढ़ रहे हैं, जो भी चीजें हो रही है। 70 लाख नौकरियां देने की बात कही है सरकार ने, बात कही है, पर उसमें आप सोचिए कि कितना रिजर्वेशन के लोग भी होंगे जी। तो मैं सामान्य वर्ग की एक बात कर रही हूँ, तो उसमें हम लोगों को कितना रोजगार मिलेगा, जो नौजवान है, जो युवा बेरोजगार है, उनको कितना रोजगार मिल सकता है। फिर चीजें हैं कि कुछ चीजों पे, जैसे कि आपने टैक्सेस लगे हैं आपके मोबाइल पे आपने बढ़ा दिए हैं, या जो चीजें हैं बहुत ऐसी बेसिक चीजें होती है जो महिलाओं से जुड़ी होती हैं और उनके लिए बहुत नीड है हमेशा के लिए। जैसे मैं सैनिटरी पैड्स की बात कर रही हूँ, अभी सरकार ने बहुत मुहैया कराया, पर क्या आपने कभी देखा कि इस पर लग्जरी टैक्स लगता है? क्या ये कोई ब्रांड है? क्या परफ्यूम है, ज्वेलरी है,
कोई ब्रांड की चीज़ तो है नहीं, ये हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ है। अब शेविंग क्रीम है जो पुरुषों के लिए है, उस पर तो एक नेसेसिटी टैक्स लगता है, तो इस पर लग्जरी टैक्स क्यों लगाया जाता है? बहुत सारी अभी बीच में बातें भी उठी थी इस चीज़ को लेकर, पर अवेयरनेस कैंपेनिंग भी, हाँ, अवेयरनेस कैंपेनिंग भी चली थी, उसके बाद भी इस चीज़ पर कोई भी ऐसा नहीं किया गया। आप पैड्स की मशीन लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर इस पर से आप टैक्स, मतलब लग्जरी टैक्स है वो आप क्यों नहीं हटा रहे? जी ज्योति जी, आप एक्सपर्ट हैं, आपसे बस ये जानना चाहेंगे कि करदाताओं को राहत नहीं है, निवेशकों को भी झटका लगा है और किसानों को सपना दिखा दिया गया है, कुछ इसी तरह का बजट है क्या? जी, इस बार इस बजट से जो मध्यम वर्ग को उम्मीदें थी, या टैक्स स्लैब बढ़ेगा या ऐसे कुछ डिडक्शंस मिलेंगे, तो वो थोड़ा सा उन्हें थोड़ा सा झटका लगा है, क्योंकि वित्त मंत्री जी का कहना है कि वो टैक्स नेट को वाइडन करना चाहते हैं। उनका ये भी कहना था बजट स्पीच में, उन्होंने कहा कि 41% जो है टैक्स पेयर्स बढ़े हैं, तो टैक्स नेट को वाइडन करना चाहते हैं और जो रिसोर्सेज उससे आ रहे हैं उससे वो अपने यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट करना चाहते हैं। जैसे शहरी लोगों के लिए वो बुलेट ट्रेन्स चलाना चाह रहे हैं या ट्रेन्स बढ़ा रहे हैं, वाईफाई ट्रेन में जो फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ाना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया को वो कुछ सुविधाएं देना चाह रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण की बात की है उन्होंने, वाईफाई टावर्स की बात कर रहे हैं। तो एक जो दो साल पहले जो बजट आया था या जो उन्होंने एक सपना देखा था, स्वच्छ इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ये सारी बातें, तो वो एक दूरदर्शी बजट लग रहा था मुझे दो साल पहले, और आज जब इस बजट को सुना तब भी मुझे यही लगा कि वो जो सपना था उसी को ये फर्दर स्टेप है और उसी को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए बजट पेश किया है। वैसे सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन लेके आए 40,000 रुपीज की, जो कि मेडिकल जो रीइंबर्समेंट है और कन्वेंस एक्सपेंसेस हैं उसके कंपनसेशन में 40,000 का लेके आए हैं, तो एक थोड़ी सी राहत है कह सकते हैं, बहुत खास नहीं मिला। महिलाओं के लिए एक जरूर खुशखबरी है कि उन्हें जो ईपीएफ का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, पहले 8.33% था, उसको बढ़ा के उन्होंने 12% किया है फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड, तो ये अच्छी बात है। लेकिन बजट में बहुत सारी बातें हैं जो कि मुझे लगता है कि उन्होंने वन स्टेप फर्दर लिया है पिछले बजट की तुलना में, या वो और विकास की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात करते हैं, कृषि जो क्षेत्र से जुड़ी हुई सारी हैं कि अगर आपकी फॉर्मर प्रोड्यूसर कंपनी है तो उसको 5 ईयर वो टैक्स में बेनिफिट दे रहे हैं 100%। दैट मीन्स कि वो उस एरिया को प्रमोट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बने और वो अच्छा काम करे। नहीं, लेकिन ये इतना कुछ कर पाएंगे हाल फिलहाल जिस तरह की इकोनॉमिक स्थिति है, क्या ये व्यवहारिक लग रहा है बजट में इतना सारा प्रोविजन जो है कि 1100 करोड़ का कर्ज किसानों के लिए लेंगे, 2022 तक कितने 51,000 या कितने मकान बनाने की बात कही गई है? जी, ये अभी एक लक्ष्य है, उन्होंने एक नए टारगेट डिसाइड किए हैं, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन और फॉलोअप कैसे होता है ये इनकी मशीनरी और सब पर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे अचीव कर लेकिन पाते आपको हैं, अभी और के लिए पर सरकार की सफलता निर्भर करेगी। अभी के लिए आपकी तरफ से दूरगामी बजट है। जी जी पटेरिया जी, आप बताइए, बजट पूरे देश के लिए होता है लेकिन ये बजट पूरा गांव पे ही केंद्रित है, किसानों पर ही केंद्रित है, सिर्फ गरीबों की बात कर रहा है, और अगर ज्योति एक्सपर्ट है उनकी माने तो ये बड़ा दूरगामी बजट है। तो बोला तो गया था कि लोक लुभावन नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव दिखाई दे रहा है इसमें। वास्तव में मुझे लगता है कि गोल पोस्ट शिफ्ट करने का बजट है। हमारा अगला चुनाव 2019 में है, 2018 मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं, और आप टारगेट 2022 का दे रहे हैं, 2025 का दे रहे हैं, आने वाले सालों का दे रहे हैं। दरअसल हमारे पास आज खाने के लिए नहीं है और कल के हम सपने देख रहे हैं। दरअसल एक होता है कि आपके साथ तो योजना, बजट, ये दो चीज़ें किस्म होती हैं, शॉर्ट टर्म प्लान, मीडियम प्लान या द लॉन्ग टर्म प्लान। सबसे बड़ी बात है कल का सपना हमारे पास में है, कल का सपना बहुत अच्छा हो सकता है, 2022 तक लाखों मकान बन जाएंगे, बहुत अच्छा हो सकता है। जब सरकार आई थी तभी कहा गया था कि 2 करोड़ या 1 करोड़ नौकरियां देंगे, कितनी नौकरियां मिली हैं, अब तो 200 रुपये के जो पकौड़े भूनने वाले को भी रोजगार में शामिल कर लिया है। तो मुझे लगता है कि जुमलों से यथार्थ की तरफ उतरें, लोगों को कुछ देने की कोशिश करें। जिस पेट्रोल प्रोडक्ट की आप लड़ाई लड़ रहे थे, साइकिलें चला रहे थे, हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री भी चला रहे थे, दिल्ली में भी लोग चला रहे थे, उस प्रोडक्ट से आपने आज ही, मैंने अखबारों में सारी चीज़ों में देखा है कि इंडियन ऑयल जैसी कंपनी ने
अरबों रुपया पैसा कमाया है। दरअसल आप सेवा कर रहे हैं या कमा रहे हैं, आप हमारी मजबूरी का फायदा ले रहे हैं क्योंकि आप एक मोनोपोलाइज सप्लायर हैं, दूसरा कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। टैक्स हमारा जो वास्तव में कम होना चाहिए था इन सारी चीज़ों पर, चाहे GST में हो चाहे दूसरी चीज़ों में। दूसरा सबसे बड़ा टैक्स स्लैब आपको कम करना चाहिए। सैलरीड आदमी का बंधन सबसे बड़ा ये है कि उसकी तनख्वाह निश्चित तौर पर आती है, उससे ज़्यादातर लोग, बहुत से लोग, हजारों लोग, लाखों लोग, ये कहा जाए कि मुझे लगता है करोड़ों लोग उससे ज़्यादा पैसा कमाते हैं लेकिन वो टैक्स स्लैब के दायरे में नहीं आते हैं। तो जो ईमानदारी से दे रहा है उसे ही सारा भुगतान करना है क्या? आप बताइए राजपाल जी, ईमानदार आदमी को वापस टैक्स नहीं? देखिए, टैक्स देने की जिम्मेदारी तो सबकी है और इस बजट में ये बात भी आई है कि टैक्स देने की प्रवृत्ति इस देश के अंदर बड़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 19.25 लाख टैक्स देने वाले लोग बजट के सारे फैक्ट के बात कर रहे हैं। आप बताइए, आप तो उसी की बात करिए। पॉलिटिकल ये तो बात हो रही बजट पे, बजट में जो वहाँ पास हुआ है उसके अलावा मैं बोल नहीं सकता मेरी बात जैसा है। तो मैं वही कह रहा हूँ, टैक्स देने की प्रवृत्ति इस देश में बड़ी है। गोकुल पटवाजी का कहना है कि पहला बजट ऐसा है जिसमें 98% की बात की गई, इसका मतलब क्या ये चुनावी बजट नहीं है? कैसा सर बोला जा सकता है? अंततः यह बजट अंत्योदय की ओर समर्पित बजट है। मैं बात फिर से कह रहा हूँ, ये बजट सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्श है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल प्रवृत्ति बड़ी है देश के अंदर। एक पांचवा बजट है, 5 साल पहले किसान की चिंता क्यों नहीं हुई? 5 साल पहले गरीबों की चिंता क्यों नहीं हुई? उस समय उज्ज्वला योजना के लिए पैसा क्यों नहीं मिला? सब कुछ हम सरकार में आए, सरकार में आते ही KCC के माध्यम से 0% ब्याज से हमने देने का काम किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों का कर्ज अभी तक माफ नहीं किया। अगर आप ये कह रहे हैं कि 5 साल से किसानों ने क्या किया, 5 साल में किसानों के, 5 साल में आपको केंद्र की सरकार ने जो किया वो बताने की स्थिति में अभी आप क्या कर रहे हैं? किसान बने वो मैं बताने की स्थिति में आप नहीं मैं क्या किया आप बताइए? क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसने लागू करी? मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में इन्हीं प्रधानमंत्री कल मेरे खाते में भी किसानों को नहीं जा सकता। किसानों को बीमा मिला है, आप हम मान रहे हैं बीमा मिला है, हम कब मना कर रहे हैं? लेकिन पहली बात तो हम जो है ये बजट की बात कर लें कि जो भावांतर योजना चलाई थी भंवर जाल में फंसा कर, ये भंवर जाल बजट है, इसको भंवर जाल बजट कहेंगे किसानों के लिए। बार बार किसानों का नाम जरूर लिया गया, भंवर जाल भावांतर की योजना नहीं, भंवर जाल मेरा प्रश्न है, मेरा प्रश्न है कि मेरे जवाब देने मिली बात किसानों के लिए इन्होंने 11,000 लाख करोड़ रुपए कर्ज की बात कही। चिदंबर जी मैं बहुत अच्छे से सुन रहा था, तो अब ये डिजिटल सॉरी कांग्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं आप। ये है 11,000 करोड़ रुपए आप कर्ज में कर्ज माफ कर रहे हैं या कर्ज बांट रहे हैं, दोनों चीज को क्लियर नहीं किया। ये भावांतर जैसा ये एक भंवर जाल उलझा हुआ, उसको क्लियर नहीं किया इन्होंने। सरकार कर्ज के लिए किसानों को कर्ज देने के लिए मतलब भरने के लिए 11,000 करोड़
11,000 लाख करोड़ का मैं बता देता हूँ, जो अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान को लोन मिलता था, वो खेती का काम कर पाता था, अब वो फिशरीज कर पाएगा, पशुपालन अभी तक काम आत्महत्या का पटवा जी आप बताइए, जितना प्रोविजन 2022 तक रखा है ये प्रैक्टिकल है क्या कि इतनी आसानी से इतने घर बनाए जा सकेंगे, किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाएगा, जबकि आज की स्थिति में भी 80% किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस में नहीं आते हैं। देखिए दीप्ति जी, सब कुछ पॉसिबल है, इतना प्रैक्टिकल है, बिल्कुल आसानी से बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मैं दो तीन आपको आंकड़े देता हूँ जी। 1996 तक कैसे है आप, मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ प्रैक्टिकल कैसे। 1996 तक पूरे देश में 80 लाख गैस कनेक्शन थे, पिछले एक साल में 2 लाख गैस कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिए इसी गवर्नमेंट ने, 8 करोड़ का लक्ष्य। एक मिनट, टंकी कर दी 800 की, एक मिनट सुनिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट रुपए, 457 रुपए। आप हमारा 300 या 500 रुपए में दे रहे हैं, 800 रुपए में दे रहे हैं। आपको अनुदान भी तो मिल रहा है राजपाल जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, राजपाल जी एक मिनट, हाँ बताइए, क्यों नहीं मिल रहा है? लेने के बाद में बताना चाहिए जब हमने लिया, किसानों को सिर्फ तो मैडम आपको ये लागत मूल्य का 1.5 गुना कैसे देंगे? अरे आप लागत मूल्य का 1.5 गुना कैसे देंगे ये बताइए, झूठ ये कर दे मानिए, 12 सिलेंडर आपने कुछ किया होगा, आपने लेने से मना किया होगा, ऐसा कोई लागत मूल्य का 1.5 गुना कोई टैक्स नहीं है, कोई लग्जरी टैक्स नहीं है, यादव जी आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं बजट पे या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? अब गलत बात होगी तो बोलना पड़ेगा ना, सुनिए ना, इतना तो मत बोलिए कि दूसरे की आवाज ही खत्म हो जाए। सवाल कर रही हूँ, मेरी बात सुनिए ज्योति जी, आप बताइए, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12.6% बढ़ा है, क्या ये काले धन के खिलाफ मुहिम का नतीजा दिखाई दे रहा है? जी दीप्ति, मुझे ऐसा लगता है कि काले धन के खिलाफ जरूर उन्होंने काम किया है, जैसे कि आधार नंबर एक, इसको हम कह सकते हैं कि एक इनोवेटिव था इनका कि सारे जो पैन नंबर है उसको हम आधार से लिंक करेंगे। ऐसे ही इस बजट में फिर वो लेके आए हैं कि जितनी भी एंटिटीज हैं उनको भी आधार की तरह एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया जाएगा, ताकि कहीं पर भी अगर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो वो पकड़ में आए, और काले धन पे रोक लगाने के लिए और भी कई सारे मीजर्स जो मुझे बजट में दिखे हैं कि आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है उसमें भी है कि आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो जो कैश का एक पैरेलल इकोनॉमी चल रहा था तो उसको कहीं ना कहीं इन्होंने ब्रेक करने की कोशिश की है और सफलता भी पाई है, और उसी रास्ते पर ये आगे बढ़ना चाहते हैं। और बड़ी कंपनियों का कॉर्पोरेट टैक्स भी कम कर दिया है 25%। जी, वो कंपनियां जिनका टर्नओवर है, कितना असर पड़ेगा इसका? टर्नओवर है 250 करोड़ तक है, उनको 30% के बजाय अब 25%। कितना कितना असर पड़ेगा इससे? मतलब जो छोटी कंपनियां हैं उसी को प्रमोट करना चाह रहे हैं ये लोग। पहले ये जो था 15-16 में था जो इसका रेट, वो 50 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी जो थी उनको 25% का बेनिफिट मिलता था, लेकिन अब उसको उन्होंने इंक्रीज करके 50 करोड़ से 250 करोड़ कर दिया है, तो इसके जो नेट में काफी सारी कंपनियां आ जाएंगी जिनको की ये सब्सिडाइज टैक्स रेट का बेनिफिट मिलेगा। चलिए राजपाल जी, आप बताइए, सांसदों से कहा है कि वो जन जन तक मोदी का मेगा बजट पहुंचाएंगे, तो इस बात में कोई शक है कि जमीनी स्तर पर काम होगा या जनता की जागरूकता को लेकर कोई संदेह है? अगर जमीन पर काम होगा तो लोगों को वैसे ही पता चलेगा, इसकी क्या जरूरत है? फैब्रिकेट करने का एक रिवाज सा हो गया है। अच्छा, जो चीज वहां से चलती है वो नीचे तक जाते जाते फैब्रिकेट हो जाती है, इस प्रकार की भी चर्चाओं में कई बार हम भटक जाते हैं, जब नहीं, आपके सामने चर्चा में भटकने का काम हो रहा है, ऐसे ही हम भटक जाते हैं, तो आम आदमी जो अनपढ़ है, अरे अगर आप समझदार नहीं है, उसका तो
बात पूछना चाहिए। आपका तंत्र काम कर रहा है तो वो नीचे तक काम करेगा, इसमें तो कोई पॉलिटिकल आदमी होगा ही नहीं, यहाँ पे तो कोई ऐसा डिस्कशन होगा नहीं। का ही सदस्य है जी, सांसद तंत्र का सदस्य है, लेकिन आप प्रशासनिक तंत्र की क्या बात करेंगे? प्रधानमंत्री को संदेश को लोकसभा में जो बजट आता है उसके संदेश को सांसद अपने क्षेत्र में जाकर पहुंचाए, अगर इस प्रकार का आह्वान है तो मैं समझता हूँ ये आह्वान कोई गलत आह्वान नहीं है, क्योंकि वो जनता से चुना हुआ व्यक्ति है, वो अपनी उपलब्धि सरकार की उपलब्धि है। जी आप इस आह्वान को कैसे लेते हैं? मैं तो कम से कम शायद ऐसे ले रही हूँ कि शायद आपको अपने प्रशासनिक तंत्र पर भरोसा कम है। देखिए वास्तव में अगर ईमानदारी से कहा था, मोदी जी एक नए किस्म की इनोवेटिव थ्योरी के साथ चलते हैं, हमेशा कम्युनिकेशन के एक नए किस्म के अपने उपयोगों को करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आपका मौजूदा सिस्टम है उस पर भी आपको भरोसा करना चाहिए। केंद्र सरकार की योजना पिछले दिनों आई है सोशल हब बनाने की, हर जिले में एक सोशल हब होगा केंद्र सरकार की तरफ से, जो केंद्र की सरकार को प्रोजेक्ट करेगा। तो मुझे लगता है वो अल्टरनेटिव कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपना आज का उनका तंत्र है उस पर लगता है उनका भरोसा थोड़ा कम हो गया है। कुणाल क्या कहेंगे आप, जनता की जागरूकता पर भी संदेह है? जनता की जागरूकता पर जनता को अनपढ़ कह रहे हैं, जनता को बिगर समझदार कह रहे हैं, तो ये इनकी हो सकती है? जनता बहुत समझदार है, जनता को सब समझ में आता है। जो आपके 15 लाख के जुमलों में आए थे, जनता आज उसका जवाब देने में लगी हुई है। और ये जुमलों का बजट, जो मेरा आपसे बड़ा आग्रह है, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि किसानों के प्रति ये बजट है या फिर गैस की जो उज्ज्वला योजना के प्रति बजट है, सिर्फ अंबानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए गैस की कैसे खपत बढ़े, और जो आपने पहले कहा था कि 400 रुपए में गैस दायन होती थी उसको 200 करने की बात करती, क्रूड ऑयल पे कम करते हुए उसको खत्म करने की, एक भी बजट में वो दिखा नहीं, रोजगार की स्थिति दिखी नहीं। आप जिस बात को कर रहे हैं कि आप किसानों की फसलों के उसको डबल कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो अभी है वो मिल नहीं पा रहा है, 5 साल से इतने किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? इसी मध्य प्रदेश में किसानों को गोली मारी गई, इसी किसानों को नंगा करके मारा गया, मतलब लगातार आत्महत्या करी जा रही है, और उसके बाद भी किसानों को भंवर जाल, जो बात कह रहे हैं वो बहुत सही, क्योंकि मैं खुद भावांतर का भुक्तभोगी हूं। 1000 मेरी लागत थी सोयाबीन की, जब 5000 सोयाबीन बेचता करता था, आज जब 2500 हो गई है तो 2300 रुपए भावांतर में बेची हो और आज तक पैसा बल के इनके पास आता हुआ है बीजेपी के, और कितना, जब 3050 का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है तो आप 2300 में। चलिए चलिए, एजेंडा आपने बाहर में ले जाए।